वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 12 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर टू क्रोएशिया कौन बने हैं? अरुण गोयल बने हैं। ये चीज़ किसने अनाउंस की है? अनाउंस की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्रोएशिया के बारे में अगर हम बात करें, यूरोप में लोकेटेड एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है ज़ैग्रेब, एंड इस कंट्री को क्या और कहा जाता है? द लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स। ठीक है, आगे चलें। सेकेंड न्यूज़ अपनी देखें तो मोइन अली, इन्होंने रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। मोइन अली 37 ईयर्स के हैं, इंग्लैंड से हैं, बर्मिंघम में इनका जन्म हुआ। एंड इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहले एशियन ओरिजिन क्रिकेटर हैं जिन्होंने कैप्टेंसी संभाली इंग्लैंड टीम की। ठीक है, चलिए थर्ड न्यूज़ हम देखें तो न्यू इंडिया के न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तुहिन कांता पांडे बनी है, जो कि उड़ीसा से हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था टी वी सोमनाथन जी बनी हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फटाफट से हम कवर कर रहे हैं, आप सब बस वीडियो के साथ में नोट्स अपने मेंटेन करते रहें। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है दैट अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अब्दुल मजीद तेबुआन, 78 इयर्स के हैं, री इलेक्ट किए गए हैं, 5 साल के टेन्योर के लिए चुने गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया। अल्जीरिया की अगर हम बात करें, ये एक मुस्लिम अरब कंट्री है जो कि अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है और जिसकी कैपिटल है अल्जीयर्स। ठीक है, एक बार मैप पे जरूर देखें एग्जैक्टली ज्योग्राफिकली किस तरह से लोकेटेड है, आसपास नेबरिंग नेशंस एंड एवरीथिंग, राइट। अब देखिए इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा, और चलिए अब सीधे चलते हैं अपने सेकंड पेज की ओर। आज का फिफ्थ पॉइंट है दैट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2.0 लॉन्च की गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो इन्फॉर्मेशन एसेट्स हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट के, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे कि सॉफ्टवेयर होते हैं गवर्नमेंट के, सिटीजन सर्विसेज पोर्टल होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। रिस्क रिडक्शन के ऊपर बेस्ड है कि स्टेट का डेटा लीक ना हो, ठीक है ना। इससे पहले 2020 में ये पॉलिसी लेकर आए थे, अब 2024 में लाए हैं साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2.0, यानी सेकेंड वर्जन है इस पॉलिसी का। आगे चलिए सिक्स पॉइंट अपना देखें तो यहाँ पे ना जो हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, सर्वेक्षण समझते हैं, एक सर्वे टाइप किया है ना, कि कहाँ की एयर कितनी क्लीन है 2024 के लिए, तो उसके हिसाब से ये डेटा सामने आया है। अब देखिए ये जो लिस्टिंग आई है ना, ये है एज पर कैटेगरी 1 स्टेटस, कैटेगरी 2 स्टेटस एंड कैटेगरी 3 स्टेटस के हिसाब से। कैटेगरी 1 स्टेटस में उन सिटीज का सर्वेक्षण किया गया जिनमें पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। कैटेगरी 2 में उन कंट्रीज का सर्वेक्षण किया गया जहां पे पॉपुलेशन 3 से 10 लाख है। एंड कैटेगरी 3 में उन सिटीज का सर्वेक्षण किया गया जहां पे पॉपुलेशन 3 लाख से भी कम है। तो 10 लाख से ज्यादा, 3 से 10 लाख और 3 लाख से कम, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कैटेगरी 1 की, तो इसमें नेशनल क्लीन एयर सिटी बना है जयपुर, जो कि राजस्थान में है। इसी के साथ यहाँ पे 1.5 करोड़ का चेक दिया गया है ताकि इस चीज़ को आप मेंटेन रखें और अच्छे से इस फील्ड में काम करें, फॉलोड बाय जबलपुर एंड देन आगरा, यानी सेकंड पे ये सिटी है, थर्ड पे ये सिटी है। ये हमने बात की कैटेगरी 1 की। कैटेगरी 2 लिस्ट की अगर हम बात करें तो टॉप किया है फिरोजाबाद ने, फॉलोड बाय अमरावती एंड झांसी, ठीक है। कैटेगरी 3 स्टेटस की बात करें तो कैटेगरी 3 में जो 3 लाख से कम पॉपुलेशन वाली सिटीज हैं वो आती हैं। इसमें टॉप किया है रायबरेली यूपी ने, फॉलोड बाय नालगोंडा एंड नालागढ़, ठीक है। ये सेकंड है, ये थर्ड है, राइट। आगे चलें सेवन पॉइंट अपना देखें। सो साइट ऑफ द फर्स्ट सिलिकन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया, इंडिया में पहली सिलिकन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली जा रही है उड़ीसा में। इसके लिए 620 करोड़ का खर्चा आएगा, ठीक है। अब इसके थ्रू अपॉर्चुनिटीज वहां के जो लोकल लोग हैं उनके लिए क्रिएट होगी। जॉब क्रिएशन एक्सपेक्टेड है कि 500 से 600 जॉब्स इस कंपनी, इस फैसिलिटी के आने से खुलेंगी। प्लस ये जो प्रोजेक्ट है डेवलप किया जा रहा है बाय आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक लीडर है, मतलब ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में वर्क कर रहा है। तो ये जो है डेवलप कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट, राइट। आगे चलिए एट्थ पॉइंट अपना देखें, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं। अच्छा, ये चीज हमारी 2 बार रिपीट हो गई। चलिए, होता क्या है कि मैं अलग अलग वेबसाइट्स देखती हूँ ना, अलग अलग वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करती हूँ, कहीं पे 4 पॉइंट्स होते हैं, कहीं पे 8 पॉइंट्स होते हैं, तो कई बार रिपीटेड भी होते हैं, शायद मेरे दिमाग से स्किप हो गया होगा, है ना। इसको आप छोड़ दें यहाँ पे। फाइनेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, टीवी सोमनाथन, 2 हमने पढ़े तो आपने ध्यान रखनी है। सेक्रेटरी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं,
ठीक है, अब देखिए इसी के साथ फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड पेज की ओर। आज का 9th पॉइंट है दैट गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो रैंकिंग्स लेकर आएंगे फॉर वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल्स। हॉस्टल्स जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके लिए खोले गए हैं जगह जगह पे, राइट, नेशनल लेवल पे। अब उनकी सिक्योरिटी के बेस पे ये रैंकिंग्स आएंगे और पूरे देश की एक ही रैंकिंग होगी, ठीक है। अभी जो फीमेल डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस हुआ था कोलकाता में, उसके चलते ये रैंकिंग सामने लाने का फैसला किया गया है, ताकि महिलाओं की सेफ्टी के ऊपर थोड़ा और अच्छे से काम किया जा सके। और ये रैंकिंग लेकर आएगा द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। अपना अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेमिकन इंडिया 2024। सेमिकन इंडिया होस्ट किया जाएगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में। तो यूपी गवर्नमेंट, ग्रेटर नोएडा, ये टर्म्स होती हैं जो आती हैं। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? देखिए ऑर्गेनाइजर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो मेन है, मतलब पार्टनरशिप में हो रहा है ना, लेकिन जो मेन है वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मेन काम यही है कि इंडिया का जो सेमी कंडक्टर सेक्टर है इसको एक्सप्लोर करना। अब नई नई कंपनीज आ रही है ना, सिलिकन कार्बाइड आ रहा है और नई नई कंपनीज आ रही हैं, तो थोड़ा और बढ़ावा देना इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि यूएसए ओपन किसने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ये जो आपके ग्रैंड स्लैम्स बोलते हैं इन चारों को, बैडमिंटन के इवेंट्स होते हैं ये। अब देखिए ये जो आपका है ना ग्रैंड स्लैम, चार होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन डिटेल अगर आपको इन ग्रैंड स्लैम्स के बारे में पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम जस्ट करंट न्यूज़ पढ़ेंगे, हम यूएसए ओपन अच्छा कब स्टार्ट हुआ, किस तरह के कोर्ट पे होता है, ओल्डेस्ट कौन सा है, ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे। वो स्टैटिक जीके में ऑलरेडी मैं कवर करवा चुकी हूँ, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। न्यूज़ हमारी ये है दैट यूएसए ओपन रिसेंटली हुआ है, जैनिक सिनर मेंस में जीते हैं बाय डिफीटिंग अमेरिकन टेलर फ्रिट्स। इसी के साथ अब ये जो जैनिक सिनर है ना, ये बने हैं पहले इटालियन गाय जिन्होंने यूएसए ओपन जीता। आज तक यूएस ओपन किसी ने नहीं जीता, इटली के पर्सन ने, ये पहले इटालियन बने। इसी के साथ इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है, तो ये पहले ऐसे बने हैं जिन्होंने एक साल में दो दो जैसे जीते, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है, इस तरह से, है ना। और भी होंगे बेशक, बट इस साल की हम बात कर रहे हैं। इसी के साथ इस साल 6th चैंपियनशिप है जो ये जीते हैं। यहां से समझ आ गया कि ये इटली के हैं। ये हमने बात की यूएस ओपन मेन सिंगल्स में। वुमेन सिंगल्स में आरेना सबालेंका, ये पहली फीमेल बेलारूसियन विनर बनी है यूएस ओपन की। इससे पहले भी कोई फीमेल बेलारूसियन नहीं जीती है यूएस ओपन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना होता है। 12th पॉइंट, अच्छा टीचर्स डे हम पढ़ चुके हैं, 5th सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो न्यूज़ हमारी ये है दैट टीचर्स डे सेलिब्रेशन जब हुआ तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट मुर्मू ने नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए। ये भी हमने पढ़ा है, लेकिन कितने एजुकेटर्स को, तो मुझे लगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। 82 एजुकेटर्स जो हैं उन्हें ये अवार्ड कन्फर किया गया है बाय आर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। 13th पॉइंट हमारा आता है कि एक्सरसाइज है तरंग शक्ति, ठीक है। ये दो फेजेस में हो रही थी, तो पहला फेज हमने पढ़ लिया तमिलनाडु में हो गया था पिछले महीने अगस्त 2024 में। ये जो सेकेंड फेज है ये शुरू हुआ है जोधपुर राजस्थान में। कौन कौन से नेशंस हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सो द पार्टिसिपेटिंग नेशंस आर ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, यूएई, जापान, सिंगापुर एंड यूएसए, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारा ये पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने 4th और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 14th पॉइंट है दैट चीफ सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश के कौन बने हैं? मनीष कुमार गुप्ता बने हैं। इतना ही पॉइंट है ना, एज इट इज याद रख लो। 15th पॉइंट हमारा है द हिंदू कॉफी टेबल बुक इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे रिलीज की गई है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी के द्वारा। इसरो ने कैसे प्रोग्रेस की, है ना, 1960s से अभी तक, तो उसके ऊपर पूरी ये बुक है। इस बुक का नाम है इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू द मून द सन एंड बियॉन्ड। ये लाई गई है बाय द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस, ठीक है। आगे देखिए 16th पॉइंट अपना टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई, एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2024 के लिस्ट है।
चलिए टाइम मैगजीन लेकर आइए, टॉप 100 जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं एआई सेक्टर में वर्क कर रहे हैं या किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेक्टर में, उनके लिस्ट पहले तो देखते हैं इंडियंस का, कौन कौन से इंडियंस हैं। तो तीन मेन है, अनिल कपूर एक्टर सब जानते हैं, यूनियन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन निलेकानी। अब सिर्फ तीन ही इंडियंस नहीं है, इंडियंस और भी हैं, टोटल 15 इंडियन या फिर इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो टाइम्स के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 रैंकिंग में शामिल हैं। इनमें से कुछ सुंदर पिचाई हैं, इंडियन ओरिजिन हैं, गूगल के सीईओ हैं, सत्य नडेला है, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसमें ना एसएच की टॉप किसने किया, अनिल कपूर का कौन सा रैंक है, इस तरह से इतने डेप्थ में मैंने काफी सर्च किया, मुझे नहीं मिली लिस्टिंग। अगर मिलेगी मैं आगे एड ऑन कर दूंगी, अगर आपको मिलता है तो मुझे बताएं टॉप किसने किया, इन तीनों का क्या रैंक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। बाकी 15 इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनका आपको देखने की जरूरत नहीं है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। चलिए 17 पॉइंट हम देखें। सो नए चेयरमैन बने हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं, पार्था सिन्हा। ये एक वॉलंटरी यानी खुद से बनाई गई, सेल्फ रेगुलेटरी, खुद से रेगुलेट की जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। एडवर्टाइजिंग माने एड्स वाली जो इंडस्ट्री है उनका। इसकी फॉर्मेशन 1983 में हुई है। ठीक है, 18 पॉइंट हम अपना देखें तो चेयरपर्सन कौन बने हैं, यूपी वुमेन्स कमीशन के बबीता चौहान बनी है। ठीक है, और अब देखिए ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट एंड देन वीडियो कंप्लीट। सो एक बुक है, बुक का नाम है फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। ये बुक लिखी गई है कुलदीप गुप्ता के द्वारा। ये बुक एक्सप्लोर करती है कि कैसे हमने ट्रांजिशन किया है ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल से, कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर डिपेंडेंट हुए हैं। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारा भी बना, इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल हुआ फर्स्ट एडिशन, हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है, है ना। तो हम ये सब हमने बहुत अच्छे से ये चीजें पढ़ी हैं कि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा, बहुत ही पॉल्यूटिंग होते हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स इनके बहुत हैं, क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं। तो अगर हम रिन्यूएबल्स एनर्जी सोर्सेज जैसे आपका सन है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, इसके ऊपर अगर फोकस करते हैं, इनका क्लीन एनवायरमेंट रखते हैं हमारा, ये पहली चीज। ये दूसरा जो हमारे रिजर्व्स हैं हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स के, ये खत्म नहीं होंगे, हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे, है ना, पॉल्यूटिंग नहीं है नेचर में। तो इस वजह से अब हमारी डिपेंडेंस की जा रही है कि हम मैक्सिमम जितना हो सके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, चलिए उसी के ऊपर ये बुक आई है फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, राइट। अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।